नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महू में विगत दिनों हुए स्कूल प्रबंधन और हिंदू संगठन के बीच विवाद के बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड की राष्ट्रीय सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता एवं महू SDM विनोद राठौर पहुंचे स्कूल। स्कूल पहुंचकर प्रबंधन, टीचर्स, छात्राओं और पालक गण के बयान लिए एवं हिदायतें दी। बीते दिनों हुए विवाद को देखते हुए आज सोमवार को एहतियातन तौर पर स्कूल प्रबंधन ने स्कूल का अवकाश रखा था, जिसे देखते हुए डॉक्टर गुप्ता एवं SDM ने सभी से चर्चा करके स्कूल कल से वापस खोलने के निर्देश दिए। विवाद के बाद बनाई गई जांच समिति की रिपोर्ट 1 सितंबर को आएगी और NCPCR की जांच रिपोर्ट को मिलाकर 5 सितंबर को दोनों रिपोर्ट सबमिट होगी, जिसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। स्कूल आए हैं काफी दिनों से, विवाद चल रहा है, क्या बातचीत हुई है आपस में? दिल्ली से NCPCR ने इस बात का संज्ञान लिया है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण एवं अधिकार आयोग ने। हमारे अध्यक्ष माननीय प्रियंका कानूनगो जी का भी आग्रह था कि हमें यहाँ आज पहुँचना चाहिए और इस मामले की तह तक जाना चाहिए। सभी पक्षों को सुना है, स्कूल प्रबंधन को भी बात सुनी है, टीचर्स की भी बात सुनी है, कुछ पेरेंट्स भी जो इस मौके पर आ सके उनसे भी चर्चा हुई है, बच्चियों से भी चर्चा हुई है जो पक्ष में हैं और जिनके साथ जो घटना हुई है उनके साथ भी। सारे पक्षों को लेकर एक बार पूरा डिटेल चर्चा करने के बाद अभी हम लोग इस एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाएंगे। कुछ तहकीकात करी है, कुछ हिदायतें दी हैं कुछ बातों का, और अभी हमारे पास रिजल्ट आने बाकी हैं जो मैं अभी यहाँ हिदायत देकर जा रही हूँ। उनके पेपर्स मेरे पास आएंगे, उन पेपर्स को हम स्टडी करेंगे। लेकिन आज का जो ये सारा का सारा कंडक्ट करा है हमने, उसमें जो बातें निकल कर आई हैं उसकी एक रिपोर्ट बनेगी और रिपोर्ट बनके हम लोग प्रस्तुत करेंगे NCPCR को। सारे पक्षों को जानना बहुत ज़रूरी था, पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी था, लेकिन कुछ पेरेंट्स आज नहीं आ पाए हैं। एक रिपोर्ट यहाँ से भी एक कमेटी बिठाई गई है, वो कमेटी भी इस बात की तहकीकात करेगी। उनकी रिपोर्ट 1 तारीख तक मेरे पास आएगी और उसके बाद हम लोग मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके मेरे ख्याल है 5 या 6 तक सबमिट कर देंगे। मैडम, स्कूल की अचानक छुट्टी कर देना 5 दिन तक का, ये कुछ शंका के घेरे में? मेरे लिए तो आज आके मुझे ज्ञात हुआ कि स्कूल की छुट्टी है और उनका ऐसा मानना था, प्रबंधन का ऐसा कहना था कि हमने एहतियातन छुट्टी रखी है क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ था उसमें हम लोग सब थोड़े से भयभीत हो गए थे, इसलिए हमने छुट्टी रखी है, ऐसा मुझे प्रबंधन ने बताया। 7 दिन के लिए छुट्टी हो गई थी स्कूल की। सेंट मेरे स्कूल में जो विवाद अभी हुआ था कुछ दिनों से, तो उसको लेके प्रशासन ने, इन्होंने स्कूल प्रशासन ने तय किया था कि 7 दिन स्कूल हम लोग बंद रखेंगे। लेकिन आज माननीय राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के माननीय सदस्य सुश्री दिव्या गुप्ता मैडम आए थे, यहाँ सभी पक्षों से बात की, जिन बच्चों की शिकायत थी उनसे बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, स्कूल प्रशासन से बात की और यह तय किया गया कि स्कूल नॉर्मली अब चलेगा। प्रशासन और पुलिस से बात हो गई है, अब यहाँ किसी प्रकार का ऐसा कोई घटनाक्रम पुनरावृत्ति नहीं होगी। सर, ये जो विवाद हुआ था सेंट मेरी स्कूल में, राजेश्वर स्कूल की क्यों छुट्टी की गई? सर नहीं, अभी राजेश्वरी स्कूल की छुट्टी की आप ही बता रहे हैं, अभी ऐसा प्रशासन की नॉलेज। सर, उन्होंने भी 7 दिन की छुट्टी कर दी इनके साथ साथ? नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। सेंट मेरी का जो विवाद था उसमें अब ऐसा कुछ नहीं होगा, स्कूल नॉर्मली ओपन रहेगा।